575 answers के नए नवेले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देखिए अगर ये जो अभी कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक चल रहा है पूरी दुनिया में, एंड इफ नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड, देन एज थिंग्स वुड हैव स्टूड ओरिजिनली, आज आईपीएल का नया सीजन शुरू होने वाला था द 29th ऑफ मार्च, लेकिन एज वी नो ऑल दीज थिंग्स इन द पास्ट नाउ, द आईपीएल हैज बीन पुश्ड फॉरवर्ड टू द 15th ऑफ अप्रैल। एंड ट्रूथ बी टोल्ड, हमने जितना भी पता लगाया है, मेरे ख्याल से जो आईपीएल के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको भी नहीं पता कि आईपीएल होगा कि नहीं होगा, बिकॉज दैट वेट एंड वॉच सिचुएशन पूरी दुनिया भर में चल रहा है। बट बिफोर वी ऑफकोर्स गेट टॉकिंग क्रिकेट विद निखिल नाज एंड जेमी ऑल्टर, एज ऑलवेज आई बिलीव दैट क्योंकि हम लोग सब क्वारंटीन में, सो वी आर टेकिंग आवर टाइम एंड वी आर ट्राइंग टू ऑफकोर्स एंटरटेन आवर सेल्व्स एंड द पीपल दैट आर क्लोज टू अस बाय पुटिंग वीडियोज आउट देयर, बट ऑलवेज स्पेयर अ थॉट, बिकॉज हम लोग जो घर में बैठ के ना हमें खाना मिल रहा है, हमारे घर हैं, हम लोग आराम से यहाँ पे बैठे हैं, ऑलवेज स्पेयर अ थॉट फॉर द पीपल हु आर स्टिल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स, स्पेयर अ थॉट फॉर द पीपल हु आर स्टिल ट्राइंग टू गो टू यूपी फ्रॉम दिल्ली एंड वॉक देयर वे होम विद देयर फैमिलीज। सो मच लव एंड रिस्पेक्ट टू दोज पीपल एंड होप एवरीथिंग सॉर्ट्स आउट फॉर देम। बट हमारे साथ निखिल नाज, जेमी ऑल्टर, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वी नॉट गोइंग बी टॉकिंग अबाउट न्यूज, क्योंकि आईपीएल की जितनी न्यूज हमने आपको देनी थी हमने दे दी अभी तक के जो पिछले दो एपिसोड्स थे 575 ऑनसेस के। आज हम क्या कर रहे हैं कि इन द 11 सीजंस ऑफ द आईपीएल वी आर चूजिंग आवर बेस्ट 11, ऑल थ्री ऑफ अस विल चूज आवर बेस्ट 11, एंड द सेम रूल्स अप्लाई टू व्हेन चूजिंग एन 11 इन द आईपीएल, व्हिच मींस यू कैन ओनली प्ले 4 फॉरेनर्स एंड द रेस्ट हैव टू बी इंडियंस। तो दोस्तों आज न्यूजीलैंड की जर्सी है, दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी है और ये सोने वाली टी शर्ट है मेरे पास। शुरुआत कौन करने वाला है पहले ये बताइए। ये तो हम क्या फॉर्मेट कर रहे हैं कि एक एक करके सब बताएंगे या ऐसा स्टार्ट करेंगे कि सिर्फ ओपनर्स बताते हैं, मैं बताता हूं, फिर आप बताएं, फिर जेमी बताएगा, उसमें थोड़ी हम आर्गुमेंट कर लेते हैं, फिर मिडल ऑर्डर पे चले गए, फिर बोलर, ये करते हैं, ये करते हैं, बिकॉज गोइंग थ्रू वन लिस्ट थ्री टाइम्स विल बी लॉन्ग, लेट्स गो ओपनर्स करते हैं, बिल्कुल चलो ओपनर्स करते हैं। तो शुरू करें, कौन करेगा? जेमी आप शुरू करें, ओपनर्स कौन? सर आईपीएल की जर्सी तो आपने पहनी हुई है, शुरुआत मैंने इसलिए पहनी है ना क्योंकि ये जो एडवर्टाइजर्स हैं बड़े उदास हैं कि उनको चांस ही मिल रहा कहीं कोई प्लेटफॉर्म में दिखे, गर्मी आ रही है, देखें एयर कंडीशनर बैंड ने यहाँ दिखा भी हुआ है, एसी ऑन है, मतलब घर पे थोड़े बहुत जो दर्शक हैं वो शायद ले लें एसी। दूसरी बात, इसमें मेरा नाम लिखा ना, देखें आप, उन्होंने मेरे को स्पेशल लिया था नाम के साथ। क्या बात है, क्या बात है, इसलिए पहन लेते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे ओपनर्स के साथ। तो मेरा पहला ओपनर है एक्स दिल्ली प्लेयर डेविड वॉर्नर। ये शायद मेरे को लगता है आपकी भी जब टीमें मैं सुनूंगा शायद ये हो, बिकॉज चांसेस हैं ये होने चाहिए। लेकिन मेरे दूसरे ओपनर थोड़े सरप्राइजिंग है, शायद आप दोनों की लिस्ट में वो ना हो। मेरे दूसरे ओपनर है रोहित शर्मा। इससे पहले कि आप बोले इन्हें क्यों लिया गया, मुझे लगता है वो हमेशा मुंबई इंडियंस में 3 या 4 पे इसलिए बैटिंग करते हैं क्योंकि वो मेनस्टे है बैटिंग के, तो उन्हें ये डर लगता होगा कि अगर मैं ओपन करके आउट हो गया तो क्या होगा। लेकिन अगर हम ड्रीम 11 बनाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, मिडिल ऑर्डर में स्टार ही स्टार आएंगे। तो यहाँ पर रोहित अगर ओपन करेंगे, और हमने देखा है जब वो ओपन करते हैं चाहे इंडिया के लिए हो वनडे क्रिकेट या T20, वो अलग ही बीस्ट है, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा खासा है, थर्ड हाईएस्ट स्कोरर तो है ही। तो ये दो मेरे ओपनर है, वॉर्नर एंड रोहित। रोहित इसलिए भी आया, इससे पहले आप लोग मेरे से कोई सवाल पूछे कि गेल क्यों नहीं आया, गेल्स रिकॉर्ड इज बेटर देन रोहित, बट मैं इसलिए गेल को नहीं लेके आया क्योंकि वी हैव टू मेक डू विद 4 फॉरनर्स। तो बाकी जो मैं आगे लिस्ट बताऊंगा उसमें फॉरनर्स करते हैं, और मुझे लगा जो फर्क था ना बिटवीन गेल एंड रोहित उतना नहीं है, मतलब स्पेशली रोहित अगर ओपन करते हैं ही इज एज डेंजरस, मे बी 19-20 का फर्क हो, इसलिए आई गॉन विद रोहित एज एन ओपनर। तो ये थे मेरे दो ओपनर्स। नेक्स्ट कौन बताएगा? जेमी, मेरा तो सबसे पहले नाम, कोई भी आईपीएल लिस्ट हो उसमें मेरा सबसे नाम पहला क्रिस गेल ही आता है, तो मेरा ओपनर नंबर 1 क्रिस गेल है। रोहित की मैंने बहुत सोचा, डेविड वॉर्नर के बारे में सोचा मैंने, वो भी नहीं है मेरे ओपनर, बट क्रिस गेल क्योंकि जब से, हालांकि वो मास्टर ब्लास्टर तो है, बट जब वो आए थे आरसीबी में मिड 2011 के सीजन में, उसके बाद एंड अगेन ही इज नेवर वॉन अ टाइटल विद आरसीबी, वो जो उनका इंपैक्ट रहा है, द स्ट्राइक रेट, द वॉल्यूम ऑफ रन, दिस इज अ मैन हु हेल्प्स franchises win titles across the globe. IPL mein nahi hua hai, but even looking down at Rohit, because he just, Rohit does not have the amount of matches as an opener. Jaise ki Nikhil ne kaha tha, wo 3 pe khele hain, 4 pe khel chuke. I'm looking at someone who plays in that specific role, and as opener, Chris Gayle se badtar koi batsman nahi hai IPL mein. Isliye mera sabse pehla naam Chris Gayle hai. Dusra David Warner bahut bahut kareeb aaya mere list mein. Two foreigners, acha, you know, not David Warner. वो नहीं है, बट ये फोर्ड वाले मैंने अपने टॉप, मैंने अपने टॉप 5 में ही 4 फॉरेनर्स डाले हैं, जैसे हम बात करेंगे। दूसरा मेरा ओपनर है शेन वॉटसन, बिकॉज़ आप आईपीएल का पहला सीजन देखिए और सेकंड लास्ट देखिए, रन आए गए पर
इंपैक्ट रहा इन टीम्स विनिंग टाइटल्स. आप आईपीएल खेलते हो टाइटल जीतने के लिए. पहले वाले में वो मैन ऑफ द सीरीज थे और जब चेन्नई जीती थी तो फाइनल में जो उन्होंने 100 मारा था 2 साल पहले. यू हैव टू लुक एट द गाइस हु स्टेप अप इन द बिग मैचेस. और यहाँ डेविड वार्नर दो ही इज बीन फैंटास्टिक अक्रॉस द लीग स्टेजेस. कभी कभी नॉकआउट्स में उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है जितना शेन वॉटसन का है. प्लस एक अब शेन वॉटसन कुछ 38-39 के एक टाइम पे वो फॉर्म ऑलराउंडर थे. ही वॉज बोलिंग, ही वॉज टेकिंग कैचेस. सो एज अ ऑलराउंड पैकेज मेरा दूसरा ओपनर है शेन वॉटसन. मेरी एक जो ओपनिंग स्लॉट है वो निखिल के साथ मिलती है, विच इज रोहित शर्मा. एंड हालांकि जब आप आईपीएल में उनका रिकॉर्ड देखे हुए, लाइक निखिल आल्सो मेंशन्ड, यू सीन बिकॉज ऑफ द टीम दिस गाय हैज बीन प्लेइंग एट 3-4, समटाइम्स ही इज आल्सो कमिंग एट 5, बट डिस्पाइट दैट ही इज आल्सो अमंगस्ट द टॉप 3 रन गेटर्स इन टी20 क्रिकेट इन द लीग, राइट. और अभी के समय 29th of March अगर हम लोग बोले कि हम लोग एक आईपीएल टीम बना रहे हैं, टी20 क्रिकेट की टीम बना रहे हैं, उसमें रोहित शर्मा अगर आपके ओपनर रहे हो तो मेरे लिए दैट इज अ बिग बिग आई मीन दैट जस्ट कांट हैपन यार, बिकॉज ही इज अमंगस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड. एक चीज मैं कह रहा हूं एज एन ओपनर कि हम ड्रीम टीम निकाल रहे हैं ओवर 11 सीजन. सो ये देखना पड़ेगा कि 11 सीजन में सबने अच्छा क्यों किया है. बिकॉज अगर अभी हम सिर्फ रीसेंट फॉर्म देखें ना तो देयर इज नो वे कि जसप्रीत बुमराह नहीं आए टीम में, लेकिन अगर आप 11 सीजन देखो तो नहीं आएगा. सो इसलिए आई थिंक ये लॉजिक थोड़ा हमको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ेगा. आल्सो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस ज्यादा जाएगा रादर देन करंट फॉर्म, क्योंकि हम ओवरऑल अग्रीड. रीजन आल्सो आई हैव गॉन विद रोहित शर्मा इज बिकॉज अगर हम लोग ड्रीम 11 बना रहे हैं तो साफ जाहिर सी बात है कि 3-2-4 पे हमारे ऑफकोर्स वरिष्ठ बल्लेबाज होंगे. तो मेरे को इतना यहाँ पे सोचना नहीं है कि टॉप के बल्लेबाज चले नहीं तो बाकी के बल्लेबाज होंगे कि नहीं, क्योंकि अक्सर जैसे आपने डेविड वार्नर की यहाँ पे बात करी, वाई इज हैड सच अ फिनोमिनल रिकॉर्ड इन द वे ही प्लेज इन द आईपीएल इज ऑल्सो बिकॉज प्रोबेबली एसआरएच डजंट हैव दैट काइंड ऑफ अ बैट्समैन दैट फॉलोज आफ्टर. सो डेविड वार्नर देन स्टिक्स अराउंड, प्लेज अ लॉन्गेस्ट इनिंग्स एंड प्लेज यू नो प्लेज बैक थ्रू द एंटायर इनिंग्स. He is a proven T20 and test and one day opener. So he's a fantastic batsman. That's, I can see why people pick him. I mean, he came this close to being in my thing. But wahi hai because Watson has played longer and the big match wala. But that's the whole fun of these things. Ki list banao, we argue, jagada. Bahut kam log ke 11 same honge to. Sir, par. Great fun. Mere dusre jo opener hain, ye aap dono ki list mein the nahi. And I don't think you guys were expecting this. Mere jo dusre opener hain, wo hai Sunil Narain. Theek hai? And I brought Sunil Narain because when you're making an 11, right, you also have to keep in mind the balance of the squad. Ab Sunil Narain, of course, in my squad comes in primarily first as a spinner. No one can argue that he's amongst the best spinners in the IPL, also amongst the best foreigners to have played in the IPL. But jo KKR ne unka role unko diya hai, upar jaake pinch hitting wale ka, that it's called that fearless brand of cricket, right? Main kahin padh bhi raha tha ki aksar T20 cricket mein, people who really value their wicket, sometimes it can be detrimental to your team. स्पेशली जब मेरी टीम में इतने वरिष्ठ बल्लेबाज आने वाले हैं 5-6 तक 7 तक, तो मेरे पास एक बंदा ऐसा होना चाहिए हु शुड बी गोइंग आफ्टर द बॉल फ्रॉम बॉल वन. तो चाहे वो अगर 35 रन 17 गेंदों में बना रहा है, चाहे वो 1 रन 0 मतलब 1 गेंद में बना रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मेरे को पता है बाद में जो बल्लेबाज आ रहे हैं उनके को काफी गेंदे मिलेंगी खेलने के लिए. So that's why I like Sunil Narain up there. And also the thing is he compliments someone like a Rohit Sharma because Rohit likes to set himself in. Sunil Narain on the other hand can take that pressure away and start hitting the ball from the word go. But Arjun, इसमें एक चीज है, देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ना उनका ओपनिंग का, वो बस लास्ट 1 या 2 सीजन में ही देखने को मिला, क्योंकि हम 11 सीजन देख रहे हैं ना, तो वी हैव टू सी अ ट्रेंड जो बहुत टाइम से चल रहा हो. सेकेंडली अगर आपको तेजी से रन बनाए, आई अग्री विद योर बैलेंस इज अ बोलर, और वो केकेआर को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनके पास एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस वैसी नहीं है जैसा हमारे पास अभी वर्ल्ड 11 बनाने में आ रहा है, बिकॉज उनके पास कम ऑप्शन है इसलिए वो उनसे ओपन कराते हैं. बट इमेजिन इफ यू हैव पीपल लाइक वार्नर एंड गेल इन योर स्क्वाड, विल यू मेक देम सिट ऑन द बेंच? नहीं सर, बट द थिंग इज देन आई वुड रादर स्पेंड दैट फॉरेनर ऑन गेटिंग एन ऑलराउंडर. आई वुड रादर स्पेंड दैट फॉरेनर ऑन गेटिंग अ मलिंगा इन माय स्क्वाड. मैं चूज वैसे कर रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि In T20 cricket, the utility of a player beyond one skill is much more. कि आपका एक स्किल का खिलाड़ी के वहाँ पर बलबूते पे आप नहीं रहते मेरे हिसाब से. और जो भी मैं पढ़ रहा हूँ T20 cricket के बारे में, वो ठीक है. You have to go and hit from ball one. Sometimes if you're going in there playing 10 balls and hitting 15 runs, it's detrimental to your squad. But you're saying, I think Joe Warner won't go from ball one. I mean, with the batting lineup that they have, they'll go and there's a chance that they may be even more successful than Narain in going after the ball from ball one because they're far more skilled batsmen. I mean, that's my argument. As batsmen, yes, bilkul. I just feel Narain won't put that much value on his wicket as say a David Warner would. David Warner would still try to bat out first 6-7 balls and then take on.
David Warner and Chris Gayle, without, if you're saying putting with putting value on their wicket, still have that same strike rate of close to 150, 141, 160 that Naren would have valuing for his wicket. इनमें क्या है, इनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो नरेन का क्या है, I think he only has one or two 50s and all those, he's probably open 40, 50 times. But the impact of his 8 ball 20 is fantastic. Exactly. और वो 20, 30 से पर वो 20 30 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर, पर मेरे को चाहिए नहीं उससे ज्यादा. पर अगेन मैं तो यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपने पहले 5 बॉल में मेरे लिए 20 रन बना दिए, 6 बॉल में आपने मेरे लिए 24 रन बना दिए, काम खत्म सर. आई एम नॉट वांटिंग अ 50 फ्रॉम यू. अर्जुन मुझे एक चीज बताओ, आपके पास क्रिस गेल है, डेविड वॉर्नर है टीम में, आप उनको बेंच पे बैठाएंगे और नरेन ओपन करेंगे? पर मैं क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर को नहीं खिलाऊंगा ना, क्योंकि मैं अपने फॉरनर्स को कहीं और यूज करूंगा. पॉइंट तो ये है ना, चार फॉरनर्स भी तो है ना. जो भी, अगर मेरे लिए कोई मिस्टर आईपीएल है तो वो है सुरेश रैना. That means you have not gone with Kohli. Kohli may bat at four. Okay, we'll see. Three, four, five, batao. सुरेश रैना एक ही टीम के लिए खेल चुके हैं बोरिंग दोस्ट टू ईयर जब सीएसके बंद थे. इन अ परफेक्ट वर्ल्ड सीएसके के साथ वो हादसा नहीं होता और वो पूरा 11 साल सीएसके के लिए सीएसके होता. सुरेश रैना वहीं खेल चुका, इसका रिकॉर्ड देखिए, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सुरेश रैना वाज द लीडिंग रन स्कोर. फिर बहुत 8-9 सीरीज के सीजन के बाद कोहली का बल्ला फाइनली चला, अब उन्होंने उनको सरपास किया है. बट रैना इज अ प्रूवन आईपीएल बिहेमिथ. उनके रिकॉर्ड देखो, टाइटल जीतने में, नॉकआउट्स में उनसे बढ़िया कोई प्राइमरी बैट्समैन नहीं है. ये फैक्ट है, मुझे स्टैट्स दिखाने की जरूरत नहीं है. ही इज मिस्टर आईपीएल फॉर मी. अब बाकी तो फील्डर तो है ही बेहतरीन, पार्ट टाइम बॉलर तो फॉर मी, बिकॉज ही इज बैटेड एट नंबर 3 ऑल थ्रू आउट द आईपीएल, ही इज अ शू इन फॉर मी एट नंबर 3. अब आपने बात किया विराट कोहली बिल्कुल मेरे टीम में नहीं है. बहुत लोग बोलेंगे ये क्या है. अगर विराट कोहली की आप 11 सीजन देखें, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेहतरीन सीजन, 3 ओके सीजन, बाकी कुछ नहीं किया. और जैसे निखिल ने कहा, हम देख रहे हैं 11 सीजन. नंबर 4 पे ऑल्सो आपको वो देखना है कि कौन सा बैट्समैन है नंबर 4 पे ज्यादा खेला है. मेरे लिए वो है एक फॉरनर एबी डिविलियर्स. द मैन इज ओपन, ही इज बैटेड एट 3 ऑल दैट, बट हिज लॉन्गेस्ट रन्स हैव बिकम एट 3 एंड 4. और उनकी जो, खैर आई साउंड लाइक अ फूल इवन सेइंग दिस, बट द रेंज ऑफ शॉट्स ही हैज, द वर्सेटिलिटी, मिस्टर 360, जो इंपैक्ट उनका नंबर 4 पे आता है. और देखिए मैं एक बात कहूंगा आपसे, मैं जो भी प्लेयर को चूज कर रहा हूं, मैं उनको चूज कर रहा हूं जो सिर्फ उस पे खेल चुके हैं. और डिविलियर्स बहुत से मैचेस नंबर 4 पे खेल चुके. इफ एनी बैट्समैन कैन ऐड ऑन 40, 50 रन्स इन 3 ओवर्स फ्रॉम नंबर 4 कंसिस्टेंटली, मेरे मन में वो है एबी डिविलियर्स. तो ये हो गए हमारे 3 फॉरनर्स टॉप 4 में से. हम नंबर 5 भी कर रहे हैं निखिल, या यहां रुक रहे हैं अभी? नंबर 5 भी, या नंबर 5 पे एमएस धोनी क्यों है, मुझे कोई जरूरी नहीं मुझे बोलने के लिए. इनका रिकॉर्ड 5 पे, विकेट कीपर, बैट्समैन, सेटिंग अप मैचेस, फिनिशिंग मैच, आईपीएल कैप्टन, तो नंबर 5 मेरे लिए एमएस धोनी से आगे मेरे लिए कोई है नहीं. ये थे मेरे 3-4-5. ओके अर्जुन. सर नंबर 3 जो मेरा है, it's a big debate, man. You only have 2 players to choose from. It's either Suresh Raina or Virat Kohli. Great. Yeah, no, that's what I'm saying. So if anyone is choosing for number 3, it's either Raina or Virat Kohli. And you're right, with Raina, number 3, he's got 4,907 runs all batting at number 3. So that's like massive. But are you telling me I will not choose Virat Kohli? Because you're saying, okay, Virat Kohli has not had some great seasons. He's had 1 or 2 good seasons. Because he's still the highest run getter in the league. मेरे पास भी कुछ प्लेयर्स हैं जो 11 नहीं खेल चुके हैं. आई विल डिफेंड दैट सून. बट एज अ प्राइमरी, आपका जो मेन रोल है, मैं उस पे देख रहा हूँ. ही इज ऑल्सो कैप्टन चेन्नई व्हेन धोनी वाज नॉट अराउंड, डिड वेरी वेल. Kohli as a captain has been boring, one season has been disastrous. So main ye har cheez dekhta hu jab main choose karta hu mere main batsman. But again, like we said, we're here to debate and no one's ideas are going to match. So let's do it. My thing with Virat is, see, where do you make him bat? So you do make him bat at number 3, or you make him open the innings like he's done with RCB a lot of times. And when you're picking the best 11 in the IPL to make Virat bat out of position just doesn't make any sense. My scene is pretty simple. Where in T20 cricket, where a lot of your trend nowadays is win the toss and bowl first, taki you can chase later.
मेरे हिसाब से दुनिया में चेजिंग करने से बेहतर विराट कोहली से बेहतर तो करता है नहीं. ऊपर से जो ये अपना एक नया गेम लाए ऑफ लेट, आई नो यू स्टिल टॉकिंग अबाउट द 11 सीजंस ऑफ द आईपीएल, ऑफ लेट जो ये अपना एक गेम लाए वेर इज इंक्रीज द स्ट्राइक रेट एंड वेर ही स्टार्ट टेकिंग ऑन द बॉलर्स अ लॉट फास्टर देन बिफोर, आई फील विराट कोहली हैज टू बी देयर. आई मीन इट्स फॉर मी दिस इज माय आर्ग्यूमेंट दैट समवन यू आर कॉलिंग द बेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज जनरेशन. बहुत लोग आपसे सहमत भी होंगे, बिल्कुल. यू आर कॉलिंग इन द बेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज जनरेशन एंड इफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज जनरेशन अलोंगसाइड अ सचिन तेंदुलकर, अ डॉन ब्रैडमैन, ब्रायन लारा डज नॉट कम इनटू योर आईपीएल 11 हैविंग प्लेड ऑल सीजंस ऑफ द आईपीएल, फॉर मी दैट डजंट मेक सेंस. सो माय नंबर 3 इज विराट कोहली. My number 4 is the same as Jamie. Number 4, number 5 is the same as Jamie. I think it's there's no debate there only. AB de Villiers at number 4, unke andar shamta hai ki wo aate hain ball 2-3 ke saath. Shuru hote hain because of his range of hitting. So for the bowlers, it's really tough. Where do I bowl to this guy? Ki main wide karun, main yorker dalun, kahan dalun isko? Aur upar se Mahendra Singh Dhoni mere kaptan honge, wicket keeper hai. And this is the Mahendra Singh Dhoni who is in peak form. Let's not forget that while there were a few seasons jahan unka balla itna chal nahi raha tha, the last 2 years, he's again shown that finishing ability that still he takes some time to get set in, but then he can really cover up and do the finishing job for them. Acha, chale, theek hai. To ye hai aapka debate ki Virat Kohli nahi chahiye ya Suresh Raina hona chahiye ya nahi. To maine socha is debate ko end kar deta hu kyunki meri team mein Suresh Raina bhi hai, Virat Kohli bhi hai. Theek hai? Are, sir. Number 3 par maine Virat ko rakha hai. The highest run getter, the only man with 5 centuries, check. उससे ज्यादातर एक सीजन में आई है, आई मीन अनड्रॉपेबल, तो वो मेरे नंबर 3 पर खेलेंगे. ठीक है, नंबर 4 पर मैं सुरेश रैना को खिलाऊंगा. ठीक है, एज समवन हू कैन यू नो एक्सेलरेट थोड़ा नीचे भी आकर, सो ही इज एट नंबर 4. एज जेमी सेड कि भाई अगर मिस्टर आईपीएल आप किसी को कहेंगे तो सुरेश रैना है. नॉट ओनली फॉर द नंबर ऑफ रन इज गॉट, इज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, बट दो और उनकी खासियत मुझे बहुत अच्छी लगती है. एक, उनका फिटनेस, बैली मिसेज अ गेम, इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद बैली मिसेज अ गेम. सेकेंडली एज अ फील्डर, हाँ वही मैंने कहा बिल्कुल एक. दूसरा, वन दैट्स फेनोमेनल फील्डर, कम्स इन वेरी वेरी हैंडी इन अ T20 स्पोर्ट जा रन बचाने. एंड हिज थर्ड रीजन दैट आई विल डेफिनेटली हैव हिम इज बिकॉज ही इज गोइंग टू बी माय सिक्स्थ बोलर. आई हैव ओनली गॉन विद 5 बोलर्स, व्हिच मींस माय नंबर 5 इज आल्सो समवन दैट यू बोथ हैव पिक, दैट्स एबी डिविलियर्स. वेदर ही इज वन अ टाइटल और नॉट कोई फर्क नहीं पड़ता, हिज रिकॉर्ड इज एब्सोल्युटली फेनोमिनल. यू नो गॉट मोर देन 4000 रन, ही इज द 9th हाईएस्ट रन गेटर, बट दैट एवरेज ऑफ हिज, यू नो 40 एवरेज बैटिंग एट 4 और 5 समटाइम व्हेनेवर ही गेट्स टू बैट इज जस्ट एब्सोल्युटली फेनोमिनल. तो मेरे मिडिल ऑर्डर के 3-4-5 आर विराट कोहली, सुरेश रैना एंड एबी डिविलियर्स. एमएस धोनी आप लोग नंबर 5 पे डाल चुके हैं, मैंने उनका नाम अभी तक नहीं लिया है. आगे आएंगे या नहीं वो हम आगे देखेंगे. अब हम बात करेंगे 6 एंड 7. नहीं नहीं सर, रैना आप ही कर लीजिए निखिल, बिकॉज़ यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट 6. सर रैना तो मैंने कैसे खिला रहे हो आप, फर्स्ट स्टार्ट मिलेगा ना, तो इस बार अर्जुन का चांस है टू स्टार्ट. हु इज योर 6 एंड 7? 6 एंड 7 रैना 4 कैसे चलेगा? मैं तो ये कह रहा हूं, हां ये you know, I mean, if you look at IPL, all no, no, because seasons, he's batted at 5,000 odd runs, 4,900 runs at number 3. He's batted at four. There have been times when Raidu's batted at 3 also. You know, so batting भी कराई है 4 पे, तो ऐसा नहीं है वो 4 पे batting नहीं कर सकते. Indian team के लिए जब वो खेले कई बार 5 पे भी उन्होंने batting करी है. You know, he's that sort of a player because आपको पता है लंबी hit लगा सकते हैं, खासतौर पर जब spinners आते हैं तो लंबी hit लगाते हैं. तो 4 पे अगर मैं उनको रखूंगा, I don't see him not performing at number 4. That's a position he's played in the IPL as well as for the Indian team. Agar main aapki, I don't know if Jamie agrees with me with this. If you look at the top 4 that you've given, which is Rohit, then there is of course, aapne David Warner ko istemal kiya hai. Fir Virat Kohli aur fir Suresh Raina. Right? Hmm. Of these 4 guys, where is your guy with that 160-170 strike rate, sir? Aksar kehte hain jo aapko T20 mukable jo khiladi aapko jitate hain, it's your top 4. Top 4 chala, fir of course aapka game wahan pe wahi ka wahi khatam ho gaya. Aapne aisi bhi IPL teamon ko dekha hai jinka strike rate, Warner aur Shikhar Dhawan ne single handedly IPL jitaya hua hai without needing any 3-4-5 with that strike rate of 140-150. So IPL is won on various levels. Even KKR, when they won the IPL, Naren was not the first time they won, Naren was not opening for them. Robin Uthappa had a strike rate of 120. So this misconception कि आपको 160 वाला ही जिता सकता है, 160 वाला strike rate वाला तो आपके पास Chris Gayle है, but उन्होंने कभी IPL नहीं जिताया. So point being that you don't necessarily need, if you have a solid opening
stand like a Shikhar and a Warner, which they have to do with a strike rate. I think Shikhar has a 120 strike rate, Warner has a 130 odd strike rate. They win the IPL single-handedly. They don't need, they just need a good bowling attack, you can win. So with this batting lineup, with a Warner and a Rohit, and I don't think Warner and Rohit are anywhere, you know, they are around 130, 140 with Virat and then Suresh and AB to finish things off at number 5. Kabhi bhi aake, you know, as Mr. 360, you will get... I agree with you almost entirely, because aapka jo strike rate hai, aapko jo 5-6-7 pe aate hai, agar unki strike rate 150 ki hai, 170 ki hai, that actually in the longer run does end up being more impactful. So wo hai. Again, which is why I'm saying someone like a Shane Watson, 11 season mein inka strike rate 137 hai. That is brilliant. He's the kind of guy, he can play a Warner. David Warner ne wo Hyderabad, on that slow, tacky Hyderabad surface, itni baar wo 20 over khel chuke, inka score hoga 73-85. Those are gold innings. Yeah. But wo gold tab hai jab wo Hyderabad mein khel rahe. There have been times when Warner has been found out when he's playing at a strike rate of 110, 112 on the other tracks. So both of your logics do hold up. But I would rather, and you'll see the guys who I picked, my next two names, are the guys who can score a 200 walking in at number 6 and 7. But we'll get there. Yeah, I just feel, sorry, just I'm ending this conversation for me. I just feel that the evolution of the game has become such now. And I think, I don't know if you think there are parallels with the Purana India T20 approach, Nikhil, with what your top four is, where you have that strike rate of 120, 130. You have those classical batsmen who can bat themselves in, who give you, aapko dikhate hain ki wo ballebazi kar sakte hain 15 over tak. Aram se apni wicket rakh sakte hain, strike rate ko chala sakte hain. Kahin na kahin aapko lagta nahi, us top four mein ek banda hona chahiye who needs to really step it up. Because kabhi na kabhi hota hai kya hai ki agar aapne 70 run bana diye of 45, 50 balls, ya 30, 40 balls, it is not that impactful an inning as it looks like in the scoreboard. You know, sometimes the impact is not there. Okay, Arjun, who is the guy you think in your team, who is that person in your top four? I have AB, I have Naren. So I have two guys. So I have two guys. I have Rohit and Virat can bat alongside them. So when I get na, so do I in AB, but Naren, Naren has a strike rate of what, 140, 150. David Warner has a strike rate of 142. No. Naren's strike rate is somewhere when he's ever since he started opening for KKR. I'm looking at from that time around. It's between 165-190. Hey, but to score 20 runs at a strike rate of 160 vis-a-vis getting 100 or an 80 at a strike rate of 140 is barely a difference. What would you rather have? Would you have 80 runs at a strike rate of 140, or would you want a guy who gets you 20 runs at a strike rate of 160? That's see, the thing is, but my thing, because aage jo hame pata chalega jo aapne ballebaz rakhe, my point is ki aksar IPL mein kya hota hai ki hum kehte hain ki agar ek classical batsman hai jo hamare niche ke jo ballebaz hain jo pehle 2-3 gendon se hi chhakke marne ki kshamta rakhte hain unko zyada gende khelne ki milti nahi hai. अक्सर ये डिबेट चलते रहता है कि उनको गेंदें खेलने की मिल रही नहीं, उनको ऊपर भेजो ताकि मारे. तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है मेरे हिसाब से. नहीं, बट मैं सिर्फ ये चीज कह रहा ना कि मैं ये कह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज अ वार्नर और अ रोहित शर्मा और अ विराट कोहली लुक क्लासिकल बिकॉज देयर टेक्निक इज क्लासिकल, आई मीन देयर विल नोबडी विल से कि ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है. मेरा वही कहने का मतलब है, just because they don't close their eyes and swing the bat does not mean that they're not destructive. If you were to look at their strike rate, it is at par with any pinch hitter that you can think of. Bhai, aap pinch hitter kiske bare mein baat karte ho? You talk about someone like Naren ya Lin ya kuch, ye sab pinch hitter kahe jate hain. Please look at the strike rate of someone like a David Warner and an AB de Villiers. They're higher than the ones that you're talking as pinch hitters, and yet they give you more runs. So ya to bahut farak ho. I don't see that much of a difference. For example, a Chris Gayle has more strike rate than anyone else, having scored those many more runs also. So why do you have to look at a pinch hitter when a classical looking guy is giving you those many runs? हमें शायद यहाँ पे अपना slow overhead के लिए penalized risk लेंगे, तो हम चलते हैं number 6. हम चलते हैं number 6 और 7 पे, lower middle order. Arjun's turn to start with 6-7. ठीक है सर. अब मेरी जो मानने की बात है ना, जो T20 cricket है ना, it's your utility that makes you stand out as a player for me, and your value in T20 cricket is that is puts you right on top, which is why maine apne team ko all rounder se bhara hua hai. Theek hai ji, number after Mahendra Singh Dhoni, mere jo ballebaz aayenge, who's an all rounder now, Hardik Pandya for me does the job with the bat in that position. He can bat up the order, say when one of your top two batsmen have gone deep into the game and need to send someone up the order, wo to fluidity hai, to Hardik Pandya gendbazi bhi karte hain. Aur kyunki maine at least 6-7 gendbaz rakhe hue hain, हार्दिक पांड्या मैं उनसे 4 ओवरों की भी नहीं क्षमता नहीं कर रहा हूँ. मैं तो कह रहा हूँ कि बल्लेबाज कोई ज्यादा जोन में चल रहा है, ही स्पीकिंग अ बॉलर, तो हार्दिक पांड्या को 1 ओवर दे दिया, 2 ओवर दे दिया वहां पे, एंड दैट्स इट. आई डोंट थिंक यू नीड मोर देन दैट ऑफ हिम. बट हार्दिक पांड्या द बैट्समैन हु गोज आफ्टर बोलर्स, एंड वी हैव सीन द वे ही गोज आफ्टर बोलर्स, हैज टू बी इन माय 11 फॉर श्योर.
After that, it's Andre Russell. I think the big debate in this position was, agar aap 3 saal pehle, before 3-4 years before Russell moved to KKR, you probably would have said Kyron Pollard or maybe a Dwayne Bravo. But ever since what Russell has started doing with KKR, he can give you 4 overs with the ball, 4 good overs with the ball. And also, just like Hardik Pandya, he's a destructive batsman. So, in that, what we are saying, 6 and 7, these are my two batsmen who bat, who bowl, and also give you that strike rate of a 160, 170, 180 plus. But Ismina, Hardik ke liye, Arjun, I one thing. I mean, yes, at the moment, you may say that. But I mean, if I was to look at his overall numbers, 66 matches wo khel chuke hai, averaging, you know, below 30, 28 ke average hai, strike rate 154 ke hai, which, you know, someone like AB de Villiers gets you like 10 times more runs in that. And ye, I mean, it's a very short term thing last few season. But agar 11 season dekhe, I don't know whether Hardik makes the cut for an all time IPL 11 just yet. Yes, maybe 3 years down the line agar hum kare, maybe with the same form. But at the moment, I'm a bit... So, 2015 se to khel raha hai, main keh raha hun. 2015 se agar wo Mumbai Indians ke liye khel raha hai. Uske pichle 3 saal mein ya 4 saal mein, he's really picked up his groove. Last 3 years, you would agree that the batting has gone to another level. And I agree, maybe the sample size is not there as against to someone who's playing for 11 years. But just purely what he gives you at the bat, I think he's the best in the business currently in that position. Theek hai. Jamie, number 6, just come with 6 and then we'll get into... 6 or 7 if you've got all rounders, if you've got just main bilkul point pe aa raha hu. Mere do naam wahi hai jinke Arjun ke hai. Farak ye hai ki number 6 pe Andre Russell hai. Mere liye Andre Russell is the greatest T20 player in the history of T20s. It's not about IPL here. I yahan pe maine thoda exception liya for the same reason that Nikhil is saying. Hardik Pandya 11 season nahi khel chuke. I'll get to him. But Russell ne jitni titles duniya mein apne various franchises ko jitaya, aisa koi player nahi hai. You've taken an extension of overall. I'm sort of IPL. Just correct. I'm saying it's because he wins titles around the world that he's such a big draw for IPL franchises from the time he put his name down. He has got that role keep in mind the guy's been injured so many times, still with that back and all, he managed to do that. I mean, the phenomenal record. Aisa koi player nahi hai jo number 6-7 pe aake. Matlab last 2 season dekh lo. इतने अनगिनत मैचेस थे जहां मैच गया था उसने वो मैच चेंज ही कर दिया मैच जिताया सो आई एम लुकिंग अगेन ही इज नॉट प्लेड एवरी सिंगल मैच अक्रॉस 11 सीजंस बट ही इज प्लेड अ मेजॉरिटी ऑफ द सीजंस ही इज बीन इन द स्क्वाड्स एट लीस्ट सो दैट्स व्हाई आई मेड अ स्लाइट एक्सेप्शन विद हिम जहां तक बात हार्दिक पांड्या की बिल्कुल आई एग्री विद निखिल ही वुड प्रोबब्ली नॉट मेक मेनी पीपल्स ऑल टाइम आईपीएल 11 बट उनका जो इंपैक्ट रहा है इन टीम्स विनिंग टाइटल्स आई लुक एट दिस He's also not had a fixed spot. Kabhi yahan wa floating voting kiya, kabhi chart pe dala, to flop ho gaye. But I think he's a rare Indian talent who came out through the IPL. For me, I'm not a huge fan of him, but I see his numbers, 154 ka strike rate, batting, primarily 6-7-8. He's one of those guys jo 8 ball pe aake 20-24 mare end mein. Aur kyunki jab I've gone through the stats, unhone tab kiya jab match haath se gaya ya haath se ja raha tha aur wo match jeet chuke hain. And I agree also with Arjun, Pollard zarur hota, but क्योंकि जो दिखाया है रसल ने पिछले 4-5 सालों में फॉर मी दैट वुड हैव वन द वोट निखिल ओके दिस वन बिफोर निखिल सॉरी व्हाई आई पुट हार्दिक अहेड ऑफ रसल इज बिकॉज़ जनरली व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग दीस गाइस टू कम आउट टू बैट यू सी द स्पिनर्स आर कमिंग इनटू शेप एंड वी नो व्हाट हार्दिक डस टू स्पिनर्स वो मतलब खा जाता है स्पेशली लास्ट सीजन आप उनका देखो सिर्फ 400 रन बनाए एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 190 प्लस दैट्स इनसेन सॉरी निखिल ओवर टू यू हाँ तो मैंने दोनों को नहीं रखा है मेनली बिकॉज आई हैव नॉट गॉन बाय करंट अगर आप इस वक्त मुझे बोलते कि अभी के आईपीएल 11 बनाओ तो मैं इन दोनों को रखता बट आई एम लुकिंग बैक एट 11 सीजन सो आई एम नॉट गोइंग सो इफ आई वाज टू लुक बैक एट 11 सीजन हार्दिक मैंने पहले ही बताया क्यों मैं उनको नहीं लेता मैं रसल के बारे में भी बोलूं ठीक है उनका लास्ट सीजन वाज आउटस्टैंडिंग एंड हम देखेंगे वो सब बट यू नो समवन हुज जस्ट गॉट व्हाट 1400 रन्स ही इज 52nd इन द लिस्ट ऑफ यू नो मैक्सिमम रन्स एज फार एज द बोलिंग इज 46th in the list of most wickets. So, in both those scenarios, bahut niche hai wo. He's not even in contention close to in 11 season if I was to look at. Plus, his economy of 8.88 in bowling, it was just a, you know, was the deal breaker for me. So, I haven't gone for contention. There are bowlers in the top 10 who have economies of 8 also. So, not entirely based on stats. But I've not taken those bowlers for the same reasons when I will be telling my bowlers. So, mere
मेरे सिक्स नंबर पे अब आते हैं एमएस धोनी, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन वहां पर खिलाया, मेरे छह नंबर पे एमएस जी आते हैं, वो विदाउट डाउट, आई मीन उनके रिकॉर्ड के बारे में भी नहीं बताऊंगा, ही विल बी माय कैप्टन एज वेल। जिस दिन वो इंजर्ड होंगे, मैंने रोहित शर्मा को रखा है, वो कैप्टनसी टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, नंबर विराट कोहली नहीं होंगे कप्तान? हाँ, मैं नहीं, आई एम जस्ट गोइंग बाय आईपीएल रिकॉर्ड अगेन ना, जिन्होंने आईपीएल बिल्कुल आफ्टर धोनी इट्स रोहित, बिल्कुल। सो अगेन मेरे ऑलराउंडर मैंने लिया है, हालांकि ये टफ डिसीजन थी, मैं लेना यहाँ पर ड्वेन ब्रावो को चाहता था, बट आई कुडंट फिट हिम इन बिकॉज वो फॉरनर का कोटा चार का हो रहा था, इसलिए आई गॉन विद रविंद्र जडेजा। समवन यू नो हु इज डन, थोड़ा सा अनसंग हीरो है, उन्होंने रन भी बनाए हैं, करीब 2000 रन है उनके, मैं उनका जो डेटा देख रहा हूँ, एंड फिफ्थ इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट विकेट टेकर्स, प्लस अगेन वो फील्डिंग उनकी कामयाब हो जाती है वो, सो ही विल बी माय ऑलराउंडर। अगर किसी दिन मतलब मेरे को फास्ट बोलिंग ऑलराउंडर चाहिए हो तो मैं ब्रावो को लूंगा और एक फॉरेन बॉलर को बाहर करूंगा, दैट आई विल गेट टू लेटर, बट इफ आई एम गोइंग विद माय 11, माय 6 एंड 7 वर एमएसडी एंड जडेजा बीइंग माय ऑलराउंडर एट 7। चलो अब आई विल ओनली कंटिन्यू, इट्स माय टर्न टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट। तो मैं स्पिनर्स में सीधा जाता हूँ, एक स्पिनर तो मेरे हो गए हैं जडेजा, मैंने दो स्पिनर और खिलाए हैं, लाइक आई सेड ऑलराउंडर कैन चेंज बिटवीन जडेजा एंड ब्रावो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, सो आइदर द फास्ट बोलिंग ऑलराउंडर और स्पिनिंग ऑलराउंडर, बट तीन हो जाएंगे स्पिनिंग ऑलराउंडर इफ आई टेक। माय टू स्पिनर्स इज आई हैव नाउ टेकन सुनील नरेन, जस्ट यू नो नॉट जस्ट प्योरली बिकॉज ऑफ हिज विकेट, बिकॉज ऑफ हिज इम्पैक्ट, विकेट टेकिंग लिस्ट में वो एट्थ पे है और उनकी इकोनॉमी यू नो सिक्स में आती है, विच इज यू नो रेयरिटी इन T20, बट उनको मैंने इसलिए भी लिया है बिकॉज समटाइम्स नंबर डोंट डू जस्टिस टू अ बोलर, उनका सबसे बड़ा क्रूशियल रोल होता है वो पावर प्ले में ही बोलिंग डालते हैं, जो ज्यादातर स्पिनर्स को कोई नहीं देता, या शुरू में देंगे या एंड में देंगे, वो टाइम जब मार खानी पड़ती है और वो आते हैं और फिर वो इकोनॉमी करते हैं, सो फॉर मी ही इज अ मैच विनर विदाउट डाउट विद द बॉल, इफ आई हैड टू पिक द फर्स्ट स्पिनर आंख बंद करके मैं नरेन को लूंगा, इसलिए आई हैव टेकन नरेन। एंड माय अदर स्पिनर, नाउ दिस वाज अ चॉइस बिटवीन three other Indian spinners that I had to make between Harbhajan, Ashwin and Mishra. In teenon ke beech mein se mujhe chunna tha. Mishra has got more wickets, theek hai, but I have not taken Mishra because simply mere paas Jadeja hai left arm spinner who will take the ball away from the right hander. To a similar bowler main nahi chahta tha. I desperately needed an off spinner kyunki Naren is a you know mystery spinner, ek off spinner chahiye tha. So now it was between Ashwin and Harbhajan and I went with the one who took more wickets, that is Harbhajan Singh, plus unhone title bhi jeete hue hain you know with Chennai as well as Mumbai Indians with this experience, so I've gone with Harbhajan Singh as my other spinner. So ye ho gaye mere do spinners, to mere 9 tak to yahan ho gayi, jo do fast bowlers hain wo main aage bataunga. Anyone who Jamie you're going next with your theek hai I also came very close to picking both Jadeja and Sunil Narayan. Narayan ko thoda edge kiya mere liye Andre Russell ne aur dusra so anyways get down to it, I needed a spinner who can bowl in the power play, but because it had to be an Indian I chose Ashwin. He's bowled a lot more in the power play across all the seasons than Sunil Narayan has, also because he largely unhone khela hai MS Dhoni ke under. And no captain has got the best out of him, unlike than MS Dhoni. Ek hota hai Ashwin, the captain playing for Punjab has not been that good. But Ashwin under Dhoni behind the stumps, fantastic. So he's my guy, bowl the power play. Uske baad, I have gone with Amit Mishra because the man's record is superb. I have a lot of faith in leg spinner. I believe every team with white ball cricket needs a leg spinner. And look, the guy's up there in the top 3-4 wicket takers. He's got 3 IPL hat tricks, the most. पिछले कुछ 2-3 साल में हम इनको देख के थोड़ा हंसते हैं लोग फैंस, रिमेंबर दिस गाय वाज अ डैम इंपैक्टफुल बॉलर फॉर अबाउट 80% ऑफ द आईपीएल एंड द स्टैट्स प्रूव इट, सो माय टू स्पिनर्स आर अश्विन एंड अमित मिश्रा, द ऑफ स्पिनर कॉम्बो विद द लेफ्ट द लेग स्पिन कॉम्बो। बिफोर आई मूव ऑन एंड टेल यू माय नंबर, सिंस यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग इट वेरी क्लोजली एज वेल, मतलब अगर दूर से देखो तो अमित मिश्रा कम्स अक्रॉस एज समवन यू कैन रीड, फ्लाइट भी दे रहा है, जो बल्लेबाज बॉल को देख रहा है वो आ रहा है बॉल को, लपाटे मार सकता है अगर आपने कनेक्ट कर दिया। व्हाट हैज मेड दिस गाय सो सक्सेसफुल इन द आईपीएल, आई मीन व्हेन यू टॉक अबाउट समवन बीइंग सक्सेसफुल इन ओवर 11 सीजन ऑफ आईपीएल, आई थिंक हैट्रिक्स डजंट रियली टेल यू व्हाट ही इज डन, बट इट्स कंसिस्टेंसी ओवर दोस 11 सीजंस दैट टेल्स यू व्हाट ही इज डन। तो ऐसे क्या 100 150 160 ऑड विकेट्स ही हैज द नॉर्मल लेग स्पिन He's got a googly. Mm. He's a very, very, very smart bowler. Unka India debut shayad 2003 mein aaya hoga. So he's been playing. You know, the guy, he's a street smart guy. Dimag hai. Aur wo kabhi darte nahi hai. Ek one day match. I'm deviating. Ek one day match tha.
कोटला में कुछ पता नहीं 4-5 साल पहले जब ड्वेन स्मिथ ने उनकी ऐसे ठेंटे लगाए थे पर ही केम बैक एंड ही गॉट विकेट्स ही गॉट विकेट्स तो अगेन ही मे लुक टू लाइक यार ये क्या है बट आई मीन 160 ऑड विकेट्स कोई मजाक नहीं है इट्स बिकॉज़ ऑफ द गुगली बिकॉज़ ऑफ द फ्लाइट यू नो इज द क्लीशे हार्ट ऑन द स्लीव्स ऑल दिस एक्चुअली सब मायने रखता है जब आप अमित मिश्रा के बात करते हो एक्सपीरियंस की मुझे लगता है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इतना जो रणजी ट्रॉफी खेल खेल के बंदे ने इतना टाइम आया ना आई थिंक ऑल ऑफ दैट कम्स इनटू प्ले नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस स्ट्रीट स्मार्ट सो माय बोलर्स नाउ अगर मैं रसल तक मैं पहुंच गया था मेरे क्योंकि मेरे को ऑलराउंडर की फैक्ट्री पसंद है टी ट्वेंटी क्रिकेट में तो मैंने भर दिया रविंद्र जडेजा को जैसे कि पहले मैंने सुनील नारायण आपको बताया था कि मेरे एक स्पिन गेंदबाज होंगे एंड लाइक द रीजंस दैट निखिल मेंशन्ड मैन ही इज बॉलिंग इन द पावर प्ले एंड इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट इन द पावर प्ले बैट्समैन लाइक पेस ऑन द बॉल सो यू गेट समवन हु हैज दैट एक्यूरेसी यू टेक्स द पेस अवे फ्रॉम द बॉल यू आर काइंड ऑफ मेकिंग देम टेक दैट फॉल्स शॉट कि कहीं ना कहीं एरर मारेंगे कुछ करेंगे एंड पुट देम ऑन द डिफेंसिव अगर आपने सुनील नारायण को डाला तो वो बैट्समैन defensive but dal deta hai so there's no one better than him two in front by Sunil Narain you can use him in that one phase where you want to break a partnership and you can use one of him at the death overs right, then I have Ravindra Jadeja finger spinner again someone left arm finger spinner gives me with the bat finishing abilities on a day when Hardik and Andre Russell don't work in fact I can always float Hardik Andre and Jadeja as and when what you know what the situation of the game is and then of course Jadeja also gives me those two overs at least I can take out of Jadeja if I want and he gives me to he's an accurate guy stump to stump bowler yaar I think wo unki sabse badi khasiyat hai stump to stump bowler knows how to vary his pace so he doesn't get predictable for a batsman and then my finger spinner jo yahan pe wrist spinner sorry finger spinner ki baat kar li wrist spinner jo mere aa rahe hain wo hai Yuzvendra Chahal for me at least I think the fact that he's been bowling for RCB in that small ground and the fact that he's been so successful for RCB in that small ground tells you why I feel this guy should be in every Indian 11 ahead of Kuldeep Yadav What Kuldeep Yadav doesn't have, this guy has. He has brains. Like we were talking about Mishra. He's very street smart, this guy. So he doesn't just depend on that floating the ball and giving that leg spin. Kabhi wo fast dal dega andar. Kabhi he'll throw a fast one down the leg side. Like we've seen him do so many other times. He has so many deliveries up his sleeve. Akshar T20 cricket mein kehte hai ki agar aap ek 6 ball ki ek ball over dal rahe hai aur batsman zone mein hai, toh how to put him on the back foot was to find 4 deliveries, different kind of deliveries in that 6 ball over. That's how you can keep the batsman inning. And how your execution of those 4 deliveries is good is what defines. Mm. And I think for me, Chahal has to be in my list because he is not your conventional type leg spinner like Amit Mishra, who thoda flight de rahe and then ball ko thoda hila rahe. Chahal bowls it a lot flatter, I feel. And for me, in T20 cricket, if you're bowling a lot flatter, I think balle baazon ke liye aur mushkil hota hai gend baaz ko marne ke liye. ठीक है चहल मैं इसलिए नहीं लिया बिकॉज यू नो चहल नंबर्स नॉट इम्प्रेसिव अभी पिछले कुछ सीजन में बहुत अच्छा उन्होंने किया है बट यू नो आई थिंक कितने उनके 100 विकेट्स है टोटल इन द विकेट टेकिंग लिस्ट दैट ही इज इन 15th है इकोनॉमी भी उनका करीब यू नो हायर सेवंस में है इसलिए दैट वाज वन रीजन दैट आई केप्ट चहल आउट बट मे बी यू नेवर नो नेक्स्ट 2-3 सीजन में यू नो ही विल मेक इट एनीवे चलो लास्ट दो फाइव I have a feeling, I have a gut feeling. I could be wrong, but let's wager up. I think all the same. Have the same two bowlers in the two fast bowling category. But anyway, we've all used 4 foreigners so far, right? Yeah. No. I have one foreigner left. I have one foreigner left. Ha, then we won't have this. Ha, so Jamie won't be the same. Yeah. Jamie won't be the same. Because I had to look. It's 11 season. हमने IPL देखा है बहुत गौर से वगैरह वगैरह ये सब छोड़ो. It came down to 2 things. The Indian factor, because overseas players, I feel, have had more impact as batsmen or all-rounders. So, I took Bhuvneshwar Kumar, one. Consistent. I know, abhi tak log inka naam jodte hain sirf Hyderabad se. But jis team mein raha hai, unki economy achhi rahi hai. Obviously, inka jo evolution hai as a player, it came after he went to Sunrisers Hyderabad. But, you know, the purple cap, shayad teen baar wo le chuke hain. After Dwayne Bravo, I think he may be the most... the owner of the purple cap after him. So again, up front in the death, outstanding. It's a very smart bowler. Dusra, mujhe chahiye tha ek left armor. Or koi bhi successful left armor, no one has more wickets than Ashish Nehra. A lot of people would have said Zaheer Khan. But that man coming back through that gap and then doing so well in the IPL, up front power play mein usse kam run koi left arm fast bowler ne nahi diya hai. Again, the butt of many jokes. But there's a reason that man was playing until very recently. मुझे याद है 2009 में also in South Africa that time a lot of success and again not a huge amount of wickets but he's got over 100 wickets.
So I want a left armer, and he had more than Zaheer. And frankly, I have a little soft spot for Ashish Nehra. So mera 11th khiladi hai Ashish Nehra. Ab debate kariye, chaliye. Chaliye, Pandit ji. Sir, aapke na mere pace attack mein thoda potency kam lag raha hai. For all the intelligence that you put into your attack, you put Bhuvneshwar Kumar, you put Ashish Nehra, and I won't take anything away from you. Even with Nehra, you say the one thing that, and you talk to him off air, you talk to him on air, and now why people regard him as one of the finest readers of the game is because he understands it so well, and he's always reading these things and calculations chal rahe hote hain. So that is a big plus. But mere hisab se aapke paas koi tearaway quick hai nahi that can trouble batsman. Tearaway quick ki zarurat nahi hai. Dale Steyn jitna maar kha chuka hai bowling pace in IPL, that's great. I don't have any great faith in extreme pace. It's about the brains you have, and Ashish Nehra has got the maximum. Ashish Nehra ko main 4 over lagatar dalunga, unki bas ki baat nahi hai death pe. Bhuvneshwar death mein dal sakte hain, Andre Russell ki death mein inki economy zyada hai jab wo starting mein dalte hain aur beech mein death mein wo wickets lete hain. So I am not worried about pace and all. I had the same thought when I made my first list. But as you know, when making list, your first list and your final list mein kafi alag changes hote hain. So I have enough guys. Even Shane Watson back in the 2009-10-11 days used to bowl a lot at the death and get wickets. Hum wo bhool chuke hain. So for me the balance is fine. Should I go ahead with my two paces? Yeah. My two paces, I think you guessed it, man. Jasprit Bumrah, you have to have him there. And most of the pichle 2-3 saal mein jo aap unka evolution dekh rahe ho, ball coming in, ball coming away, dono unne apni jo itna plethora of deliveries mein jo Arsenal mein deliveries dali hain, he has to be there for me. Aur unke saath saath you have to have the highest wicket taker, man. Lasith Malinga has to be there for me. If you're talking about 11 seasons, right, what Nikhil has been harping on about, saying that you take consistency of the 11 seasons, then Lasith Malinga is right up there. Not just when you're talking about bowlers, when you're talking about a player in the IPL, the topmost player in the IPL, Lasith Malinga is in the top 3 for me, mere hisab se. And he gives you, you know, ek to jo aap mera balance dekho in terms of the angles with which Bumrah and Malinga will be bowling, and what they've been doing for Mumbai Indians as well. Bumrah's awkward angle, Malinga's slingy angle, and the fact that both these guys can bowl for you in the power play and the death, for me, it was a no-brainer to have these two guys. Hands down. चलिए मैं हम तीनों की अलग है. मैंने कहा था एक होगी, बट बिल्कुल अलग है. एक चीज से मैं अग्री करता हूँ अर्जुन से कि अगर मैं आईपीएल की ऑल टाइम टीम बनाऊंगा, देयर इज नो वे आई कैन नॉट राइट लसित मलिंगाज नेम. शायद पहले दो नामों में उनका नाम वहां पर होगा. हाईएस्ट विकेट टेकर, इम्पैक्टफुल, जब जरूरत है मैच जिताना, एवरीथिंग, आई मीन मैच विनर, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. तो लसित मलिंगा इज माई यू नो फर्स्ट चॉइस. दूसरी मेरी चॉइस है, आई एग्री विद जेमी, उन्होंने भुवनेश्वर को लिया. आई डोंट थिंक यू कैन यू नो इन एनी वे अंडरमाइन उनका जो परफॉर्मेंस रहा आईपीएल में, वन ऑफ द मैच विनर्स. आई मीन आई पुट हिम वे अहेड ऑफ जसप्रीत बुमराह, बिकॉज बुमराह को अभी देख रहे हैं वही चीज हो जाती है. मैंने क्योंकि 11 सीजन के बाद बात की, एज अर्जुन वाज सेइंग, आई लुक बैक एट इट, आई कैन सी बुमराह इज व्हाट 24th इन द लिस्ट ऑफ मैक्सिमम विकेट टेकर्स. आई मीन दैट्स वे डाउन फॉर मी टू बी कंसिडर्ड राइट नाउ एज एन ऑल टाइम आईपीएल 11. यस, 5 साल बाद ही मे स्टिल मेक इट, बट नॉट एट द मोमेंट. प्लस इज इकोनॉमी ऑफ 7.55 इज मच हायर देन दैट ऑफ भुवनेश्वर कुमार और लसित मलिंगा. तो हर पैरामीटर में वो उससे पीछे. तो यू नो द टू बेस्ट बोलर्स आई कुड थिंक ऑफ, लसित मलिंगा एंड भुवनेश्वर कुमार. आई जस्ट ऐड कि ये तो 11 होगी हमारी टीम में. मे बी अगर हम 3 साल बाद कर रहे हो डिस्कशन, तो कुछ अगर नाम आ सकते हैं उनमें से, मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह होंगे जैसे बात कर रहा था. एंड द अदर वन आई विल टेक अ बेट एट कुड बी ऋषभ पंत. आई मीन अभी टू थिंक दैट यू नो ही कैन टेक एमएस धोनीस पोजीशन इज अ बिट अनलाइकली, बट यू हैव टू जस्ट लुक एट द नंबर्स ऑफ ऋषभ पंत इन द आईपीएल. द प्रॉब्लम इज पीपल कंफ्यूज इट विद इंडिया क्रिकेट, बट अगर उनके आईपीएल नंबर्स देखेंगे, द फिनोमिनल, यू नो ही इज हिटिंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 162 बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर, व्हिच इज मच हायर देन यू नो गेल वेल इवन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर. सो मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव गाइस, 2000 रन भी होते आ रहे हैं, तो मे बी फ्यूचर में उनको देखा. एक और भी बात है, हम तीनों के लिस्ट में बहुत से नाम है जो टॉप 5 और टॉप 6 ऑफ बोथ कैटेगरीज इनमें है ही नहीं. यू हैव गाइस लाइक हरभजन सिंह नहीं है टॉप 3 टॉप 4 में, वो नहीं, Nikhil, so Dwayne Bravo,
विकेट बहुत ली, इनकी बैटिंग इतनी कुछ खास नहीं कर पाई है, वही है. तो एज अ बैट आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर डिसिमिलैरिटीज कम बेस्ड ऑन द ऑलराउंडर वाला फंडा. Nikhil Funda is clear. The two all-rounders we picked, Arjun, have not had that body of work across the seasons, which I agree with. Which is why I said, yahan pe I made two exceptions, probably based on, you know, the recent impact. But also, you have to see guys doing it across the seasons. What are they doing now? Some guys also have passed their prime. I agree with you. Malinga still at the age of, patani, he's late 30s. His paunch is the subject of all memes on his Twitter. His paunch is 75 man, years old. The man still does the job fantastically. Yeah. For me, because very, very hard to leave up because I had gone with the balance. So, baat wahi hai. Sure. Also, I think Malinga ki jab baat karte na, hum log kehte hain you're Yorker Malinga, Slinger Malinga. A lot of people don't talk about it. He has such a disguised slow ball. Because a lot of people are expecting that Yorker Malinga, jo kya slow ball dalta hai. And it is such a, it's a bonus to have a slow ball in this format. You know, to have your knuckle delivery and that your Bhuvneshwar Kumar does. I think oh, Nikhil keh rahe the na, in the time to come, if we have to add a few more players, I think KL Rahul will be a name to watch out for. Right. The fact that he's killing it now, top of the order, he's found his zone. I think the guy has found his place and now he's ready to rule for at least the next 4-5 years. Given the way he's taking it, he's taken like fish to water to what you need to do in T20 cricket when you're opening innings. Bilkul, I agree. Yeah. Bilkul, I agree with that. Kya, phir se team mein bata do, kya ra? Haan ji, ek bari team bata do, aap log. Chalo, aap kaun? Jamie's. Chris Gayle, Shane Watson, Suresh Raina, AB de Villiers, MS Dhoni, Andre Russell, Hardik Pandya, R Ashwin, Amit Mishra, Bhuvneshwar Kumar, Ashish Nehra. Right, so my team is Rohit Sharma, Sunil Narain, Virat Kohli, AB de Villiers, Mahendra Singh Dhoni, captain wicketkeeper hai, Hardik Pandya, Andre Russell, Ravindra Jadeja, Yuzvendra Chahal, Jasprit Bumrah and Lasith Malinga. ठीक है जी, मेरी है डेविड वार्नर, रोहित शर्मा टू ओपन, देन यू हैव विराट कोहली एट 3, रैना एट 4, एबी एट 5, एमएसडी एट 6, जडेजा एट 7, फिर आपके हैं नरेन और हरभजन द सेकंड एंड द थर्ड स्पिनर एंड देन द टू फास्ट बॉलर्स इन भुवनेश्वर एंड लसित मलिंगा. Guys, this was an enjoy, very nice chat. Maza aaya ye chat karne mein. And of course, for all you guys watching the show, comment section mein bataiye if you agree with our teams or not, whose team you agree with. Aur apni team bhi banayi hai. But yaad rakhiye, jab apni team banayenge, toh that caveat is there that you can only use 4 foreigners and the rest have to be Indian players. Arjun, can we in the next show take some of the best, I think, best jo 11 jayenge? Absolutely. So what we'll do is we'll see your 11s. Aap log jo team YouTube comments mein daloge ya Facebook pe daloge, then the three of us will discuss the team we thought was the best one, and then we'll put it out there and we'll tell you why we thought this was the best one, and we'll take your name in the very next episode. Theek hai? And you can also tweet them to us at the various handles also. Why not? Absolutely. And what, just before leaving, what log wahan pe active hai zyada? इंस्टाग्राम पे आपको एक बार ये बता दूं, न्यूज क्लिक स्पोर्ट्स ने अपना पेज शुरू कर दिया है. इट्स कॉल्ड न्यूज क्लिक स्पोर्ट्स, वेयर यू गेट इंटीमेशंस ऑफ ऑल आवर शोज, चाहे 575 आउंसेस हो या हमारा शो जो इंडियन फुटबॉल पे होता है 420 ग्राम्स हो, या अभी ओलंपिक्स को लेकर जो जो सारी खबरें आ रही हैं, वो सारी खबरें हम उस इंस्टाग्राम हैंडल पर डालेंगे. सो यू गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ व्हेन अ न्यू शो इज कमिंग अप. आज के लिए हमारा इतना ही. Nikhil, Jamie, of course, we'll try talking about new things now given this quarantine. No more, not sport happening. Jab news aayegi kuch IPL ko lekar, to uske bare mein baat kar lenge. Lekin aise feature type shows hafte mein ek bari to zarur karenge. Bilkul. Sure. Done. And jaate jaate, I think mujhe koi bol raha hai ki my team was the best one. Thank you so much for watching. Goodbye. Aaj nahi. Thank you.